मेरा नाम डॉक्टर विष्णु कुमार है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, लाडनू। आज हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र या जीवन व्रत दो परजीवों में पूरा होता है, जिसे हम द्विपोषी कहते हैं। फर्स्ट है मनुष्य, जो प्राइमरी होस्ट होता है, और दूसरा है मादा एनोफिलीज, जो वेक्टर होता है। किंतु रोग के लक्षण प्राइमरी होस्ट अथवा मनुष्य में प्रकट होते हैं। जो फर्स्ट लाइफ साइकिल इन प्राइमरी होस्ट, जनरल नेम एंडोजिनस साइकिल, एस एस्पेक्ट साइकिल या साइजोगोनी। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का अलैंगिक जीवन चक्र मनुष्य में पूरा होता है। मनुष्य को इसका प्राथमिक पोषक कहा जाता है और मनुष्य में पूरा होने वाले जीवन चक्र को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे लिवर सेल इन आरबीसी इरेथ्रोसाइकिल, लिवर सेल में प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, एक्जो इरेथ्रोटिक साइकिल, पास्ट इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, बी में इन आरबीसी इरेथ्रोसाइकिल में इरेथ्रोसाइटिक फेज, इनोकुलेशंस और इन्फेक्शन, निवेशन एवं संक्रमण। जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित मादा एनाफिलीज रक्त प्राप्त हेतु काटता है तो अपनी लार के साथ काफ़ी अधिक संख्या में स्पोरोजोइट या संक्रमण अवस्था को रक्त में प्रविष्ट कर देती है, और रक्तपान के समय इसके लार में रक्त का प्रतिस्कंदित रासायनिक पदार्थ मनुष्य के रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। स्पोरोजोइट मनुष्य के रक्त में लगभग आधे घंटे तक रहकर विलीन हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजोइट हैज सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये स्पोरोजोइट की स्ट्रक्चर्स हैं। इसकी जो आकृति होती है स्पोरोजोइट्स की, वो सिकल सेप्ड होती है, और इसके चारों ओर स्थित बाहरी स्तर 5 उप स्तरों से निर्मित होता है। इसे हम पेलिकल कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है 7 से 14 सेंटीमीटर होती है, और इसके शीर्षक भाग पर सहकेंद्री रचना के रूप में कॉन्सेंट्रिक रिंग, एपिकल कैप, फेरिक ऑर्गेनिज संरचना पाई जाती है। इन द्वारा स्राव विशिष्ट एंजाइम हिस्टोलाइसोजेनिक उत्पन्न होता है, जिसकी सहायता से ये यकृत को भेद पाता है। अन्य संरचनाओं के रूप में एक केंद्रक तथा इसमें स्थित 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। माइक्रोफाइल भी पाया जाता है, जो गुदा द्वार सर्पण गति करता है। साइजोगोनी यकृत में होने वाले चक्र को यकृत साइजोगोनी कहते हैं, तथा इसे 2 चक्र में विभेदित किया जा सकता है। फर्स्ट है प्राय प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, दूसरा एक्जो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल। रक्त में से स्पोरोजोइट विलीन होकर यकृत कोशिकाओं पर आक्रमण करके यकृत में प्रवेश करते हैं, तथा लिवर सेल के जीव द्रव का भक्षण करके इनके आकार में धीरे धीरे वृद्धि होती है, और इस नवीन रचना को क्रिप्टोजोइट कहते हैं। क्रिप्टोजोइट्स कहते हैं, जो आप स्लाइड में देख सकते हैं। ये क्रिप्टोजोइट्स पूर्ण अवस्था पाकर विघटित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मेटाक्रिप्टोजोइट्स मुक्त हो जाते हैं। इनकी संख्या 1000 होती है। ये मेटाक्रिप्टोजोइट्स संभवतया 2 प्रकार से कार्य करते हैं। कुछ मेटाक्रिप्टोजोइट्स लीवर सेल पर आक्रमण करके एक्जो इरेथ्रोसाइटिक चक्र को आरंभ करते हैं, तथा कुछ मेटाक्रिप्टोजोइट्स आरबीसी पर आक्रमण करते हैं, किंतु इस तथ्य के बारे में अभी स्थिति अस्पष्ट है। एक्जो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, जैसे ही मेटाक्रिप्टोजोइट्स लीवर सेल पर आक्रमण करते हैं तो प्रवेश करने के पश्चात वृद्धि एंड साइजोगोनी द्वारा अधिक मात्रा में मेरोजोइट्स उत्पन्न करते हैं। ये मेरोजोइट्स लीवर सेल के विखंडन से मुक्त होकर बाहर की ओर ब्लड सिनुसोइट्स में पहुंच जाते हैं। आकार की दृष्टि से ये मेटाक्रिप्टोजोइट्स 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रमशः मैक्रोक्रिप्टोजोइट्स 64 तथा माइक्रोक्रिप्टोजोइट्स 1000 कहा जाता है। माइक्रोक्रिप्टोजोइट्स निर्माण के पश्चात आरबीसी पर आक्रमण कर इरेथ्रोसाइटिक साइकिल को आरंभ करते हैं, जब मेरोजोइट्स पुनः लीवर सेल पर आक्रमण कर एक्जो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल को प्रारंभ करते हैं। इस अवस्था तक मलेरिया लक्षण प्रकट नहीं होते, अतः इसे हम टैलेंट पीरियड कहते हैं। इरेथ्रोसाइटिक फेस, जैसे ही मेरोजोइट्स
माइक्रोमेरोजोइट्स पर आक्रमण करते हैं तो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल आरंभ हो जाती है और इस चक्कर में निम्नलिखित अवस्था पाई जाती है, ट्रोफोजोइट्स, सिग्नेटरिंग स्टेज, अमीबॉइड स्टेज, साइजोन स्टेज और ओस्टेज स्टेज। ट्रोफोजोइट स्टेज, जैसे ही मेरोजोइट्स आरबीसी प्रवेश करते हैं तो उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का भक्षण कर इनके आकार में काफ़ी अधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बनी अवस्था को ट्रोफोजोइट कहते हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। इस अवस्था में परजीवी में केंद्रक समस्त कोशिकाएं पाई जाती है। हीमोग्लोबिन संगत युक्त रिक्तिकाएं एवं जिनका कार्य व जैविक महत्व अभी तक अज्ञात है, बाह्य आवरण के रूप में प्लाज्मा लेमा उपस्थित रहती है। प्लाज्मोडियम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजोइट इन आरबीसी हैज सीन हिज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, आप देख सकते हैं इसकी संरचना। सिग्नेट रिंग स्टेज, इस अवस्था में ट्रोफोजोइट के कोशिका द्रव के मध्य एक बड़ी एवं असंकुचनशील रिक्तिका प्रकट हो जाती है। इसके कारण समस्त जीव द्रव कोशिकांग परिधि की ओर संकुचित हो जाते हैं तथा यह संपूर्ण रचना मुद्रिका अंगूठी का आकार ग्रहण करती है, जिसे हम सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं। किंतु कभी कभी किसी आरबीसी में इन मुद्रिकाओं की संख्या 6 तक हो जाती है। मलेरिया ज्वर की पहचान इसी अवस्था में की जा सकती है। अमीबॉइड स्टेज, इस अवस्था में परजीवी की सतह पर छोटे छोटे यानी कूटपात बन जाते हैं, जिसके कारण यह संपूर्ण रचना अनियमित होकर अमीबी आकृति ग्रहण कर लेती है, अतः इसे अमीबॉइड स्टेज कहा जाता है। साइजोन स्टेज, अमीबी अवस्था में आरबीसी के हीमोग्लोबिन का तेजी से भक्षण करने के कारण एवं परिणाम फलस्वरूप परजीवी अमीबी आकृति को त्याग कर पुनः गोलाकार या अंडाकार आकृति ग्रहण कर लेता है और इस अवस्था को हम साइजोन स्टेज कहते हैं। परिमाप की दृष्टि से साइजोन का आकार के आकार आरबीसी की अपेक्षा 2/3 भाग या 2/3 भाग घेरे रहता है। हीमोग्लोबिन के पाचन फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हीमोजोइन के कण साइजोन कोशिका द्रव में दिखलाई पड़ते हैं, जिनका रंग गहरा पीला होता है। इसके अतिरिक्त आरबीसी के हीमोग्लोबिन के कुछ गुलाबी नारंगी रंग की कंटिकाएँ दिखाई पड़ती है, जिन्हें चिफेनोइड कहते हैं। रोस्टेज स्टेज, अपनी पूर्ण वृद्धि करके इसका केंद्रक लगभग 1224 अंशों में बढ़ जाता है, औसतन 16। इसके पश्चात प्रत्येक केंद्रक का अंश अपने निर्माण के उपरांत परिधि पर पहुंचकर रुक जाता है, जिसके कारण यह संपूर्ण रचना गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियों की भांति व्यवस्थित हो जाती है। इसे रोस्टेज स्टेज कहते हैं। रोस्टेज स्टेज में कोशिका द्रव के मध्य भाग में काफ़ी मात्रा में हीमोजेन वर्णक पाया जाता है। इसके अलावा आरबीसी के हीमोग्लोबिन में सिजोनोडोट्स की संख्या भी बहुत आयत में दिखलाई पड़ती है। इस अवस्था के निर्माण के कारण उत्पन्न दबाव के कारण आरबीसी फट जाती है, इसके कारण मेरोजोइट्स मुक्त हो जाते हैं और यह मेरोजोइट्स 2 मार्गों का अनुसरण करते हैं। मार्ग फर्स्ट, कुछ मेरोजोइट्स पुनः नवीन आरबीसी पर आक्रमण करके इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को प्रारंभ करती है। मार्क टू, कुछ मेरोजोइट्स लीवर सेल पर आक्रमण करके चक्कर को आरंभ करते हैं, जिसके कारण साइजोगोनी के कारण लगभग 10,000 मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स उत्पन्न किए जाते हैं। मलेरिया ज्वर पुनः प्रकट होने का एकमात्र कारण पास्ट इरिथ्रोसाइटिक चक्र के पूर्ण होने के कारण उत्पन्न मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स के कारण होता है, इसे रिजर्व चक्र कहते हैं। इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के पूर्ण होने में लगभग 6 दिन का समय लगता है, जिसे साइजोगोनी कॉल कहा जाता है। मनुष्य में चक्र 4 से 6 बार पूर्ण होने के पश्चात काफ़ी अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन के कण रक्त में प्रविष्ट करने के कारण ज्वर प्रकट होता है, 104 से 106 फ़ारेनहाइट पर। लगभग 4 से 6 चक्रों के पश्चात परजीवी युक्त नवीन इरिथ्रोसाइटिक चक्रों को प्रारंभ न करके एक निष्क्रिय अवस्था का निर्माण करती है, जिसे गेमेटोसाइट कहते हैं। यह गेमेटोसाइट अपने आकार की दृष्टि से 2 प्रकार के हो सकते हैं। माइक्रोगेमेटोसाइट, जो आकार 7 से 14 तक इसका केंद्रक अपेक्षाकृत कम होता है। जैव घड़ी, इन गेमेटोसाइट का निर्माण एवं विस्थापन एक निश्चित समय अवधि पर घटित होता है, 48 से 72 घंटे।
अतः जंतुओं में एक निश्चित रूप से घड़ी का संचालन होता है जो यह बतलाता है कि मलेरिया परजीवी है। नियंत्रण प्रणाली भी प्राणी भी रासायनिक एवं जैविक कार्यकी का अनुसरण करते हैं। ये गैमेटोसाइट्स अपने निर्माण के पश्चात स्थानांतरण हेतु इंतजार करती है क्योंकि इनका अग्र में परिवर्तन किसी अनियमित तापी में ही संभव हो सकता है। यदि इसका स्थानांतरण नहीं होता है तो यह स्वतः ही नष्ट हो जाता है। रात्रिकालीन में गैमेटोसाइट की सर्वाधिक संख्या सतह पर विद्यमान रहती है जिससे कि रक्तपान के समय इनकी अधिक से अधिक संख्या स्थानांतरण की जा सके। लाइफ साइकिल मॉस्केटो एनाफिलीज सेक्सुअल साइकिल और एक्जोजीनस साइकिल और स्पोरोगोनी। लाइफ साइकिल ये दो चक्रों पूर्ण होती है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन फॉर्मन ओसाइट्स फॉर्मेशन ओकिनिट और फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोसाइट। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट जैसे कि आप साइकिल में देख सकते हैं तो जो लाइफ साइकिल इन फीमेल एनाफिलीज मॉस्केटो साइकिल है और ये लाइफ साइकिल फीमेल एनाफिलीज मॉस्केटो साइकिल। तो माना एनाफिलीज रक्तपान के समय मलेरिया ज्वर से ग्रसित व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न विभिन्न अवस्थाओं के अतिरिक्त गैमेटोसाइट को भी प्राप्त करता है। जैसे ये रक्त मच्छर के क्रोप में पहुंचता है तब गैमेटोसाइट के अलावा शेष सभी अवस्थाएं पचा ली जाती है तथा आरबीसी के क्षतिग्रस्त होने के कारण गैमेटोसाइट मुक्त हो जाते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट या विकास निम्न चरणों के तहत पूर्ण होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट गैमेटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ ओसाइट्स और फॉर्मेशन ऑफ ओकिनिट। गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस एंड लिबरेशन गैमेटोजेनेसिस युक्त आरबीसी में विघटन फलस्वरूप ये गैमेटोसाइट में स्वतंत्र हो जाते हैं। इसके अलावा आरबीसी में उपस्थित गैमेटोसाइट में अपनी पूर्ण वृद्धि को प्राप्त करते हैं। गैमेटोजेनेसिस इस क्रिया के तहत दो क्रियाएं होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन अथवा नर युग्मक जनन के तहत माइक्रोगैमेटोसाइट का केंद्रक 6 से 8 केंद्रकों के अंशों में बट जाता है और ये केंद्रक विभाजन होता है जिसके कारण संतति केंद्रकों में गुणसूत्र की संख्या अगुणित होती है। ये संतति केंद्रक निर्माण के समय परिधि की तरफ पहुंचकर स्थित हो जाते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक केंद्र के चारों ओर जीवदर की परत चढ़ जाती है और उपरोक्त क्रिया की समाप्ति पर कोशिका द्रव में संकुचन के कारण ये सभी संतति केंद्रक 6 से 8 तक अंगुली रूपी रचनाओं के रूप में बाहर की ओर विकसित होते हैं। इस अवस्था विशेष को एक्सफ्लेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सफ्लेशन हेतु जो कारक पाए जाते हैं उन्हें एक्सट्रेनिस या इंटरनेस कोशिका द्रव में स्थित रहते हैं। इन दोनों कारकों की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप ई एक्सफ्लेशन जैसी अवस्था प्रकट होती है। फर्टिलाइजेशन निषेचन क्रिया के तहत नर व मादा युग्मक परस्पर संपर्क स्थापित करके जायगोटिक न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। निषेचन क्रिया की कुछ विशेषताएं पाई जाती है जो निम्न प्रकार है। दोनों युग्मक असमान आकृति होने के कारण इस निषेचन को एंजियोगैमस न्यूक्लियस कहते हैं। नर व मादा युग्मक के समेकन से विकसित जायगोट के केंद्रक को साइमकेरियो न्यूक्लियस कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ओसाइट्स जायगोट अपने निर्माण के उपरांत दो मार्गों का अनुसरण करता है। जायगोट क्रोप की भित्ति को भेदकर बाहर की ओर ओसाइट का निर्माण करता है। कुछ जायगोट क्रोप की भित्ति को भेदने में असक्षम होने के कारण वर्णासन अवस्था का निर्माण करते हैं जिसे ओकिनेट या ओकिनाइट कहा जाता है। उपरोक्त कथन वैज्ञानिक हॉवर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था किंतु हॉवर्ड के अतिरिक्त किसी भी वैज्ञानिक के इन वचनों की पुष्टि नहीं करता। उस साइट का व्यास 5 से 10 तक होता है। क्रोप की भित्ति पर उस साइट की संख्या 50 से 500 तक हो सकती है और ये उस साइट्स धीरे धीरे वृद्धि करके अग्रिम अवस्था का निर्माण करते हैं। इसे प्रोसाइट्स या स्पोरो कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोसाइट्स स्पोरोसाइट्स का आकार 50 से 60 तक होता है। इनकी संख्या 50 से 500 तक होती है। स्पोरोसाइट्स में केंद्रक पुनः बहुविभाजन क्रिया के फलस्वरूप लगभग 50,000 अंश बनाता है। स्पोरोसाइट्स में उत्पन्न प्रत्येक केंद्रक अंश उत्पत्ति के बाद जीवद्रव घिर जाता है और इन तीन रचना को स्पोरोजाइट्स कहा जाता है। कालांतर में ये स्पोरोजाइट हीमोग्लोबिन में पहुंच जाता है और ये हीमोग्लोबिन में स्पोरोजाइट भक्षण करते हैं अतः ग्रंथियों में पहुंचकर इकट्ठा हो जाते हैं और इस प्रकार मादा एनाफिलीज की लार ग्रंथि में इनकी संख्या 2 लाख तक पहुँच जाती है। इक्यूबेशन पीरियड प्रीपिकेंट और सोजोगोनी पीरियड
आरबीसी में। सुषुप्त काल 14 दिन का होता है इसमें। स्पीसीज या आईपी इक्यूबेशन पीरियड और एलपी लेटेंट पीरियड, फर्स्ट 11 to 14 टू ईयर्स, सेकेंड मलेरिया 28 to 31 डेज 5 ईयर्स, फेल्सिफेरस 9 to 11 डेज 6 मंथली। यदि हम उपरोक्त तालिका को देखें तो उससे पता चलता है कि किसी भी जाति के आईपी व एलपी के कारण रोग के लक्षण निश्चित अवधि के बाद पुनः प्रकट हो सकते हैं। तालिका के अनुसार प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम अन्य अधिक घातक एवं रोगजनक जाति मानी गई है, क्योंकि इसका आईपी सबसे कम होने के कारण मलेरिया पुनः प्रकट होने में अधिक संभावनाएं होती है। टाइप्स ऑफ मलेरिया की बात करें तो पुनर्वर्ती काल के आधार पर मलेरिया निम्न प्रकार के हो सकते हैं। त्रित्विक मलेरिया, टाइटेन मलेरिया या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रमण से उत्पन्न होता है। इसमें बुखार हर 30 दिन आता है। इसमें रक्ताणु चक्र 48 घंटे में पूर्ण होता है। मंद त्रित्विक मलेरिया, मिल्ड टाइटेन मलेरिया या प्लाज्मोडियम ओवल जाति के संक्रमण से उत्पन्न होता है। इसमें भी बुखार हर 3rd दिन आता है व रक्ताणु चक्र 48 घंटे पूर्ण होता है। यह कम हानिकारक। तीसरा है घातक मलेरिया, मेलिग्नेंट मलेरिया या प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम जाति के संक्रमण से उत्पन्न होता है। इसमें भी बुखार हर 3rd दिन आता है। यह सबसे घातक होता है। इसमें मृत्यु दर अधिक होती है। चतुर्थक मलेरिया, क्वार्टरेन मलेरिया यह प्लाज्मोडियम मलेरिया जाति के संक्रमण से उत्पन्न होता है। इसमें बुखार हर 4th दिन आता है। इसमें रक्ताणु चक्र 72 घंटे पूर्ण होता है और यह रोग अधिक घातक नहीं होता है। मलेरिया रोग में बार बार रक्ताणु चक्रों के कारण अनेक लाल रक्त कणिकाएं नष्ट होती हैं। इस कारण रक्त अल्पता एनीमिया हो जाती है। हीमोलाइसिस के फलस्वरूप हीमोग्लोबिन के विखंडन से उत्पन्न बिलिरुबिन का उत्सर्जन न होने के कारण पीलिया रोग हो जाता है और प्लीहा का आकार बढ़ जाता है और वह ठीक प्रकार से इलाज न होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।